स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अड्डा 247 में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री के कुछ एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। ओके, तो आज देख लेते हैं कि आज के इस पिटारे में क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन प्लीज। यस, हमने ऑलरेडी 1.2524 इन सबको डिस्कस कर लिया है। तो जो 2.6 है वो बहुत इजी सा एक क्वेश्चन है आपके सामने। पूछे कैसे, इफ़ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाईऑक्सीजन गैस। ओके, हाइड्रोजन है, डाईऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, वाटर वेपर भी दे रही है। ठीक है, सबसे पहले लिख लो क्या ये रिएक्शन चल रही होगी। नहीं, ये रिएक्शन चल रही होगी, यानी कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन के बन मतलब जा रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो बन रहा है आपका 2 मोल का वाटर वेपर। बस इस पर ध्यान दीजिएगा, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। लिखा है कि अगर 10 वॉल्यूम डाईहाइड्रोजन यूज़ हो रहा है 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, तो मैंने पहले बोला अगर 2 मोल के हाइड्रोजन जा रहे हैं 1 मोल के ऑक्सीजन के साथ, बन तो आपका 2 वॉल्यूम का ही हाइड्रोजन ऑक्साइड रहा है ना, मतलब वाटर। ठीक है, सो अगर यहाँ पे आप 10 कर लो और इसको 5 कर दो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वॉल्यूम सेम आ रही है इनके, यानी कि आंसर आपका जो 10 वॉल्यूम है वो इसी के हिसाब से निकल रहा है। 10 वॉल्यूम्स ये, 5 वॉल्यूम्स ये, और फिर 10 वॉल्यूम्स का ये। ठीक, तो अगर आप इसकी जगह 20 भी कर लेते, यहाँ 10 कर देते, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाता, 20 वॉल्यूम्स। सो दिस इज़ योर आंसर इस क्वेश्चन में। इतना ही मैं आपको एक दे देती हूँ कि अगर 30 लो यहाँ पे और इसको कर लो 15, तो कितने मोल यहाँ बनेंगे। लिख लो क्वेश्चन, 30 देन इसको आप 15 कर लो, तो हाउ मैनी मोल्स आर देयर, यानी हाउ मैनी वॉल्यूम्स ऑफ वेपर प्रोड्यूस देन। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन, मेरा आंसर निकल चुका है, अपना आंसर तैयार रखना। सो थैंक यू सो मच।